हाँ भाई, कैसा दिया सरप्राइज? नहीं दिया अच्छा? अरे सरप्राइज सरप्राइज। हाँ भाई, तो मैंने कहा, ये कहा था कि ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं हर बार वहीं से आऊँगा। तो एक मिनट। हाँ ब्रो, तो यार अभी मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन अब रमज़ान है और रमज़ान में क्या सीन होता है कि उठता हूँ और नाश्ता वगैरह तो होता नहीं है, तो सीधा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और इस तरह यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं करता। तो आज मैं उठा था, नाश्ता नहीं मिला तो मैं वापस हो गया। तो अभी 8 बजे मैंने जाना था यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी आज का जो दिन का आवाज़ दिन अभी हुआ ही नहीं। अभी सुबह 9 बज रहे हैं अभी, और अभी मैं घर में चबलियाँ मारूँगा, वेलियाँ मारूँगा। तो एक दो काम है वो मैं करूँगा, बताता हूँ क्या करता हूँ। तब तक ये थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि अभी भी मेरी आंखें बंद हो रही हैं। जब आप व्लॉगिंग करते हो ना, तो व्लॉगिंग के साथ साथ आपको थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। जैसे कि अब अगर मैं पंखा लगा के रिकॉर्डिंग करूँगा, एक मिनट मैं आपको टीज़र देता हूँ। ये आवाज़ मेरी पंखे के साथ आ रही है। अब आपको आवाज़ में कंपैरिजन नज़र आ रहा होगा। अभी आप पंखे के साथ और विदाउट पंखे आप आवाज़ देखेंगे, और अब ये जो आवाज़ है ये बग़ैर पंखे के है, तो आपको डिफरेंस तो पता लग गया होगा। तो अब व्लॉगिंग के लिए मुझे हर टाइम जब भी मैं शूट करता हूँ, मुझे बग़ैर पंखे के बैठना पड़ता है। क्या वॉट इज़? तो अभी जो मैंने काम करना था यार, जब भी मैं रूम के अंदर आता हूँ ना, तो ये कारपेट पड़ी हुई है, ये थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, तो मैंने इसको ठीक करना है। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, समझ नहीं लग रहा। ये हमेशा दरवाज़ा खोलता हूँ, ये ऊपर नीचे हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हो ना, तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हो। अभी जो मेरे जहन में जुगाड़ चल रहा ना, वो ये है कि मैं अगर इस पर इस्त्री कर दूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो अभी मैं जाता हूँ और इसको इस्त्री करके देखता हूँ कि कैसा लगता है ये। लेट्स सी। अभी पानी और इस्त्री से मैंने ठीक तो कर दिया, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, सूखने पे पता चलेगा। और दूसरा काम ये था कि यार मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मेरे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि ऐसे चांद रात पे कटवाऊँ, लेकिन यार बुरे लग रहे हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसे कटवा दूँगा, लेकिन अभी मैंने इससे पहले जाना है गेमिंग। मैंने उस कहा था आपको पिछले व्लॉग में कि यार मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर व्लॉग तो नहीं कर सका, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पर व्लॉग कर लूँ वहाँ पर जाके। तो अभी मैं गेमिंग जाऊँगा, और वहाँ पर अगर मेरी हिम्मत बनी तो मैं व्लॉग कर लूँगा, वरना ना बनी तो फिर सिनेमेटोग्राफी पे गुजारा करना पड़ेगा। क्योंकि अब वहाँ पे ना काफ़ी लोग होते हैं, तो मुझे वहाँ पे व्लॉग करते हुए थोड़ी सी शर्म आती है। अभी मुझे नहीं पता कि शर्म कब तक जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा कुछ। अभी देखते हैं क्या बनता है। जो गेमिंग था वो इस प्लाजे में था, लेकिन अब ये नया प्लाजा कंस्ट्रक्ट हो रहा था, अभी यहाँ से शिफ्ट करके इस प्लाजे में शिफ्ट कर लिया है। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, तो गेमिंग बिल्कुल खाली खाली सा था, ऊपर से कोई बंदा ही नहीं था जिसको मैं व्लॉग में डालता ना। मुसद्दिक भाई थे, मुसद्दिक भाई। और फिर अब ये है कि यार पैदल गया था, पैदल वापस आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, सांस चढ़ी हुई है मुझे, ऊपर से रोज़ा भी है। तो अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगा। हाँ भाई, तो रेस्ट करने के बाद अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। और यार अगर आप मेरे ब्लॉग शुरू से देख रहे हो, तो जब मैं यहाँ पे बैठ के बात करता हूँ, तो आपको लाइटनिंग में थोड़ा सा बहुत तो डिफरेंस नज़र आया होगा, है ना? वो इसलिए क्योंकि पहले मैं फ्रंट कैमरे से शूट करता था, लेकिन जब मैं यहाँ पर बैठ के बात करता हूँ, तो मैं अपना बैक कैमरा ऑन करता हूँ। और मेरा फ्रंट कैमरे का मसला ये है कि अगर मैं शूटिंग कर रहा हूँ और अभी मैंने कैमरा रिकॉर्ड बटन नहीं प्रेस किया, तो मुझे लाइट एकदम फिट नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे मैं रिकॉर्ड बटन को प्रेस करूँगा, वो होता ही है कि जो लाइटनिंग एक्चुअल आ रही होती है उससे भी डाउन हो जाती है। लेकिन बैक कैमरे का ये इशू नहीं है, बैक कैमरे जो लाइटनिंग आपको दिखा रहा है वही डिस्प्ले कर रहा है, वही आ रही होती है आपकी। तो इसीलिए बस ये थोड़ा सा हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर बैक कैमरे, क्योंकि यार आँखों आँखों से बातें करने का मज़ा भी अलग है। क्या मैं अपने आप को देख के ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, अभी मैं आप लोगों की आँखों में देख के बात कर रहा हूँ।
अभी जिशान ने मुझे काम कहा हुआ था, तो जिशान ने मुझे कहा था कि मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, लेकिन अब जिशान लोग पहले मेरी पिछली गली में रहते थे, लेकिन अब वो शिफ्ट करके पाकिस्तान टाउन चले गए हैं। तो अभी मैं पाकिस्तान टाउन जाऊंगा और उसको, वो जो उसने मुझे काम कहा था, मैं उसको फेस टू फेस दे करूंगा और सरप्राइज भी मिल जाएगा उसको। करना पड़ता है ब्लॉगिंग के लिए यार, क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ दिशान, तेरा क्या काम था? अच्छा, बैचलर्स है ना यार? सही हो गया। एंट्री टेस्ट या प्रिपरेशन हो जाए। चल सही हो गया। यार मैं सोच रहा हूँ जो काम सारा मैंने यहाँ पर करना है, तो मैंने वैसे भी जिशान को सरप्राइज़ तो देना ही है ना, तो मैं क्यों नहीं वहाँ पे चला जाता हूँ। वहाँ पे जिशान को सरप्राइज़ भी मिल जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा। वो वाला सरप्राइज़ नहीं जो आप समझ रहे, ये असली वाला सरप्राइज़ है जो सरप्राइज़ होता है। तो मैं क्यों, और ऊपर से ये था कि आज मैं गेमिंग गया, मुझे गेमिंग का मज़ा भी नहीं आया, तो मैं वहाँ बैरियर टाउन गेमिंग भी कर लूँगा और उसको सरप्राइज़ भी मिल जाएगा। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ वहीं पे, तब तक के लिए। जिशान के घर के बाहर आया हूँ, देखो अब कैसा जाता है सरप्राइज। हेलो। हाँ भाई, कैसा दिया सरप्राइज? नहीं दिया अच्छा। है सरप्राइज पहले सरप्राइज। पहले मैं तुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने लगा था, फिर मैंने कहा कि तुझे मैं आके सरप्राइज दे देता हूँ, तू वैसे ही बोर होता रहेगा। अच्छा यार, मैं ऐसे ही बोर हो रहा था, मैं पूरा दिन घर बैठा रहता था। अभी क्या करेगा? अभी बस देखना गया, जो वैसे ही घर बैठा रहता हूँ रिटर्न। नहीं नार्कोस भी बड़ा शर्टिंग यूजर भाई, भी बड़ा शर्टलॉक होम्स देखी, बहुत मज़े का है। शर्टलॉक होम्स HBO पे आता रहता था। हाँ जो भी है भाई, ये बहुत मज़े का सीज़न है, सीरीज सोच है, सीरीज है ये प्रॉपर, बहुत मज़े का सीज़न है। देखिए सुपर गर्ल देखा तो मैं, अच्छा है यार, सही है, उतना वो नहीं है। ये बड़ी गंदी स्टोरी है यार इसकी। ये यो ब्रो 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 ब्रो, गेमिंग चले? चल चलो आ जा। अच्छा वो भी छोड़ेगा मुझे घर? चल आ जा। कल मैं गेमिंग गया था, मैंने वो किया था, वहाँ पे मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया। कौन सी गेमिंग? अपना गैलेक्सी अच्छा। गेम और ऐसी बात है, हमसे नहीं बॉस। खेलने हैं। अभी मैं सोच, यहाँ पे बैरियर टाउन भी है। ये क्या किया है? यहाँ पे नहीं, बैरियर टाउन। वापिस छोड़ देगा? हाँ सही है, छोड़ दूँगा। मैं तो ठीक ये है, पेंट अभी डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं गेमिंग। उस दिन मैं जब गेमिंग गया था, वो जैफा मेरा दोस्त है, फर्स्ट व्लॉग में आया, देखा होगा आपने जिम में, तो वो गेम खेल रहा था। उसको देखते देखते मुझे भी काफ़ी शौक हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना गेमिंग कर लूँ। तो आज जाके डोटा 2 खेलेंगे आफ्टर 6 months। सेमेस्टर के स्टार्ट में हमने छोड़ी थी, सेकंड सेमेस्टर में हमने गेमिंग स्टार्ट की थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमारा इतना ख़राब आ गया था, तो थर्ड सेमेस्टर में गेमिंग को हाथ भी नहीं लगाया। तो आज बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए गेमिंग जाऊंगा मैं निशान के साथ, तो फिर बस वहीं पे मिलता हूँ मैं आपसे बस। ब्रो बी हेयर। अभी 6 महीनों के बाद हम गेमिंग स्टार्ट करने लगे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, और गेमिंग इतनी चेंज हो चुकी है। लेट्स सी हाउ इट गोज। भाई फर्स्ट पे है। तो
तो ब्रो क्या हुआ आज गेमिंग हर से बार गेमिंग हुई और हमने चक दे फटे फुल सीन के साथ गेमिंग हुई आज कसम से बहुत मज़ा आया यार हमारी जो गेम थी हम हार रहे थे लेकिन अभी हमने ऐसा दिया ना तो वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छा दिया कैसा दिया बहुत अच्छा यार तो अभी बस यहाँ से घर जाएंगे अभी निशान को ड्रॉप करूँगा उसके बाद मैं घर जाऊँगा फिर मैं घर में मिलता हूँ आपसे स्विमिंग पूल में पैसे हैं चाबी दे चाबी मैं घर में मिलता हूँ आपसे हाँ यार मैं निशान को घर उतारने के बाद घर पहुँच गया हूँ और जब मैं गेमिंग की और गेमिंग के बाद जब मैंने उसको पैसे दिए थे मैंने उसे 1000 रुपीज़ का नोट दिया था और वापसी पे उसने मुझे 400 रुपये 10-10 के चेंज दी थी ये इसको मैं क्या करूँगा कहते हैं इसको शादी पे यूज़ करना अब शादी पता नहीं किसकी आएगी तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लिए टाटा अला हाफिज़ कर यार बहुत आदत बिगड़ी हुई है कोई बात नहीं मैं हटा देना मारे लिए आदत मम्मा दोस्त है